नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आपके साथ चंद्र ओझा। पदमपुर की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पदमपुर की बड़ी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। पदमपुर, अज्ञात कारणों से लगी झुग्गी झोंपड़ी में भीषण आग। आग लगने से जला गरीब का आशियाना। झोंपड़ी में भीषण आग लगने से सारा सामान जलकर हुआ राख। मौके पर नहीं पहुंचा अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी। पदमपुर के गौशाला रोड वार्ड संख्या 19 का पूरा मामला। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। अनूपगढ़ ज्योति के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, गणेश तनेजा, पदमपुर। देखिए सुनिए क्या कहता है पीड़ित परिवार। पीड़ित परिवार की क्या है गुहार। मैं तो दवाई लेना चल गया, ले रुडेरो बढ़ गया, हमारा सारा राख हो गया, बच्चा छोटा छोटा रजाया बिस्तरा सारी बढ़ गया, एक ही कोनी रिन्यो घर में बच्चा हमारा तो छोटा छोटा बच्चा के कपड़ा बढ़ गया, हमारा कपड़े बढ़ गया, रजाई बढ़ गई, बिस्तरा ही बढ़ गया सारी। तो प्रशासन से अब आपकी क्या मांग है? कोई हेल्प करो, हमारी गरीब आम ये गरीब जाता, हमारी बहना गरीब, बच्चा हमारा छोटा छोटा, हेल्प करो हमारी। तरपाल ही बढ़ गया, झुग्गिया रहा, बांस ही बढ़ गया, सारे बढ़ गया, राख हो गया सारे बढ़ गए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी बानिया है। कैसे लगी है यहाँ पे आग? हम जी तो घर पर कोई नहीं थे, ये बच्चों को दवाई दिलाने के लिए गए थे हॉस्पिटल में। जब हम घर पर आए, जब सभी बड़ा पड़ा था यह सौदा, किसी पड़ोस वाले बुझाए थे बापरे जी गरीब। कितने बजे की बात है ये सिर्फ 2 घंटे की बात है सर। उसके बाद कोई प्रशासन के द्वारा कोई अधिकारी यहाँ पे? कोई नहीं आया सर, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं है सर।